नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सभी का नाम घर घर में गूंजने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 3 दिनों का समय आपके लिए सबसे भाग्यशाली समय रहने वाली है। इसमें जो भी ग्रहों की स्थिति बनने वाली है, जो भी ग्रहों का निर्माण होने वाले हैं, दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसलिए दोस्तों आने वाले 3 दिनों का समय आपके जन्म काल में वह कामयाबी आप सभी को मिलने वाली है कि आपके नाम की चर्चा घर घर होने वाली है। आने वाले 3 दिनों के अंदर आपका नाम घर घर में पूरे समाज में गूंजने वाले हैं कि अगले 3 दिनों का समय आप आने वाले 7 जन्मों तक भी भूल नहीं पाएंगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है, कुछ ऐसी बड़ी सफलताएं आप सभी को हाथ लगने वाली है जिनसे दोस्तों आप सभी का पूरा जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, परंतु दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, कुछ गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, अगर आप ये गलती करेंगे तो दोस्तों अपने किस्मत में कुल्हाड़ी आप खुद ही मार लेंगे। यानी कि दोस्तों घर आए आप अपने मेहमान को ही भगा रहे, इस प्रकार की स्थिति होने वाली है। जी दोस्तों, आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जन्मकाल में कुछ ऐसे ग्रहों की परिस्थिति बनने वाली है, कुछ ऐसे ग्रहों में शुभ योगों का निर्माण होने वाले हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पल आप सभी के जीवन काल में आने वाले हैं। दोस्तों यकीन मानिए, ये आपके ईश्वर के ही दिया हुआ वरदान है। जी दोस्तों, अगर आप इस वरदान का लाभ उठाएंगे, अगर आप इनमें ध्यान देंगे, अगर आप इस वीडियो को आप अंत तक ध्यान से समझ लेंगे तो दोस्तों हम यकीन के साथ कहते हैं कि आप सभी के जन्मकाल में जो भी परेशानियां चल रही है, जो भी शत्रु आप सभी को परेशान कर रहा है, जो भी पेशों की दिक्कतें आ रही है, जो भी समस्याएं आप सभी के जन्मकाल में लगातार चल रही है, दोस्तों उन सभी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये 100% दावा है। जी दोस्तों, अगर आपको यकीन ना हो तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप अंत तक ध्यान से देख कर देखिएगा। दोस्तों हम यह दावा करते हैं कि जो भी जातक आज के इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लेगा, दोस्तों उनके जन्मकाल में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने वाली है अगले 2 दिनों के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अगले दो दिनों के अंदर आपको कौन सी चीज़ की दोस्तों भूल नहीं करना है, कौन सी गलती नहीं करना है, और दोस्तों कौन से ऐसे कार्य हैं जिनमें आपको कार्य करने हैं। साथ साथ दोस्तों जो ग्रहों की स्थिति बनने वाली है, इनमें आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, कौन कौन से लाभ के मौके आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं, दोस्तों सभी के बारे में हम आपको एक एक करके बारीकी से बताने वाले हैं और दोस्तों हर एक बात समझाने वाले हैं कि यश में आपको कौन कौन सी चीज़ों में लाभ होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। तो वह दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे प्रिय भक्त, दोस्तों चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय भोलेनाथ लिख दें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो वह दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि पिछले समय से ये जो महीने की शुरुआत हुई है, दोस्तों इनमें आपने बहुत कुछ सोचे थे कि हमारा समय बहुत ही अच्छा होगा, हमारे ग्रहों की स्थिति बदलेगी, उनमें हमको लाभ मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपने जो भी चीज़ सोची थी दोस्तों, आपको उतना लाभ ग्रहों का नहीं मिल पाया है। जी हाँ दोस्तों, आपने इस साल में भी जो चीज़ सोचा था दोस्तों, वो भी आपको नहीं मिल पाया है। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को यह बात बताए हैं कि वक्त से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। और दोस्तों जो व्यक्ति वक्त के साथ मिलने वाले, भाग्य के साथ मिलने वाली चीज़ों को ठुकरा देता है, उनमें ही गलती कर देता है, तो दोस्तों उस इंसान का किस्मत ही खराब होता है। जी हाँ दोस्तों, वह इंसान ही बदनसीब होता है। और दोस्तों आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जन्मकाल में कुछ ऐसे ही परिस्थिति का निर्माण होने जा रहा है जहाँ पर आप एक भी गलती करेंगे तो दोस्तों आप अपनी किस्मत को कोसेंगे। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों यश में अगर आप गलती नहीं करेंगे तो दोस्तों आप अपने किस्मत पर गर्व करेंगे, आप अपने राशि पर गर्व करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आप सभी के जन्मकाल में विमुख राशि आप सभी की राशि बनने वाली है। दोस्तों आप सभी के जन्मकाल में शुभ योग का निर्माण होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दें कि धन वृद्धि नामक शुभ योग आप सभी के जन्मकाल में बनने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि
शतशती नाम का भी योग का निर्माण आप शिवी के शून्य काल में होगा। और दोस्तों जो ग्रहों की उपस्थिति बन रही है शुक्र गुरु और शनि तीनों का प्रभाव आप शिवी की राशि पर रश्मि प्रबल होने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों अगले दो दिनों को या फिर तीन दिनों के अंदर आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। दोस्तों अगर आप अगले तीन दिनों के अंदर जो हम बात बताने वाले हैं वो गलती नहीं करेंगे तो दोस्तों आपके जीवन काल में जो खुशखबरी हम आपको बताएंगे वो दोस्तों आपको मिलकर रहेंगी, आपकी नसीब चमक कर ही रहेगी, कोई भी दुश्मन आपको रोक नहीं पाएगा। क्योंकि दोस्तों हम आपको सारी बात बताने वाले हैं कि दुश्मन से भी आपको यश में कैसे बचना है, उन्हें कैसे पराजित करना है, कैसे आप अपने कार्यों में सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। जी दोस्तों साथ ही साथ ग्रहों का जो लाभ आपको मिलेगा उन्हें भी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम आप शिवी को बता दें कि ये जो समय है, ये जो ग्रहों का निर्माण है दोस्तों, ये आपके लिए भगवान शनिदेव का और भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ वरदान है। और दोस्तों यशमी गुरु शुक्र शनि की जो स्थिति आपके जीवन काल में प्रभावशील है दोस्तों, इनसे दोस्तों आपके लाभ के बहुत सारे ऐसे रास्ते मिलेंगे जिनमें दोस्तों आप शिवी का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों कई लोगों का ऐसा किस्मत यशमी बनेगा कि दोस्तों देखते ही देखते उन सभी का किस्मत चमकने वाले हैं, यश में आकस्मिक धन लाभ भी आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप सभी की कुंडली में ऐसा ग्रहों का निर्माण पहले नहीं हुआ था लेकिन दोस्तों अब हो चुका है। दोस्तों शतशती नाम का योग का निर्माण एक बार पहले हुआ था और दोस्तों ये दूसरी बार है। शतशत दोस्तों आप सभी के जीवन काल में जो ये ग्रहों की स्थिति है दोस्तों, गुरु शुक्र शनि की जो स्थिति है, इनमें दोस्तों सबसे पहले आपकी आर्थिक स्थिति कि जो भी व्यवस्था खराब थी दोस्तों वह सुधरने वाली है। दोस्तों अगले तीन दिनों के अंदर आप शिवी के जीवन काल में पेशों की समस्याएं दूर होने वाली है। ये बात दोस्तों आपके लिए बिल्कुल ही हंसी की बात होगी क्योंकि दोस्तों बहुत समय से आप इंतज़ार कर रहे हैं और दोस्तों आपको इंतज़ार का फल भी नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों हम आप शिवी को बता दें कि भले ही आपके जीवन काल में विलम्ब हुआ है लेकिन दोस्तों आप यह बात भी जानते हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन दोस्तों अंधेर नहीं है। बस आप अपने जीवन काल में कर्म करते जाइए और फल की चिंता मत कीजिए। जी दोस्तों यह बात भगवान श्री कृष्ण ने भी कही है और दोस्तों यही जीवन आप शिवी के जीवन काल में अब आ चुका है। जी दोस्तों आने वाले तीन दिनों के अंदर आप धनश्री मालामाल होने वाले हैं। जीवन काल में दोस्तों आपको नए नए रास्ते मिलने वाले हैं, पेशे कमाने के पेशे बनाने के दोस्तों ऐसे रास्ते मिलने वाले हैं कि दोस्तों आप शिवी का जीवन ही बदल जाएगा। दोस्तों आप शिवी को बता दें कि आने वाले तीन दिनों के अंदर आपको कुछ गलती भूल कर भी नहीं करना है वरना दोस्तों आप अपने जीवन काल में ये सब लाभ से वंचित रह सकते हैं। दोस्तों वह गलती कौन कौन सी है हम आपको विस्तार से समझाने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में हमेशा शत्रु प्रबल रहते हैं क्योंकि दोस्तों आपकी जो राशि होती है वो बहुत ही सहनशील राशि होती है, बुद्धि से भरे हुए राशि होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि कार्यक्षेत्र में आपकी राशि बहुत ही जल्दी तरक्की कर लेते हैं और दोस्तों आपकी राशि वालों का दुश्मन बहुत ही जल्दी भी बन जाते हैं। क्यों दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपकी राशि जितना ही तेज होती है उनके साथ साथ दोस्तों आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जिनके कारण दोस्तों आप सभी के जीवन काल में दुश्मन बनते जाते हैं। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि दोस्तों जब भी आप अपने जीवन काल में कुछ खुशखबरियों को पाते हैं, कुछ पैसों को पाते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप उन बातों को, उन चीज़ों को दोस्तों सभी के सामने उजागर कर देते हैं, चाहे दोस्तों आपके दोस्त हो या आपके पड़ोसी हो या फिर आपके आसपास के कोई भी लोग हो दोस्तों, जो आपके करीबी के व्यक्ति हैं दोस्तों, आप उन सभी के सामने अपने बातों को उजागर कर देते हैं। और दोस्तों यही कारण है कि आपके अभी के जीवन काल में बहुत ज़्यादा शत्रु अपने के ही लोग हैं। जी दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आने वाले तीन दिनों के अंदर आपको यह गलती भूल कर भी नहीं करनी है। दोस्तों जो भी लाभ, जो भी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है दोस्तों, उन्हें आपको अपने दिल में, अपने मन में ही दबा कर रखनी है। जी हाँ दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले तीन दिनों के अंदर आप सभी को बता दें कि आपके शत्रु आपके ऊपर वार करने की पूरी पूरी कोशिश करने वाला है। जो ग्रहों की उपस्थिति का निर्माण हो रहा है इनके साथ साथ यह दिखाई दे रहे हैं कि शत्रु आपके राशि पर प्रबल होने वाले हैं और आपके ऊपर घात करने के प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों उनसे बचने के लिए आपको कौन से कार्य नहीं करने हैं वही हम आपको बता रहे हैं, साथ ही कौन से उपाय भी करने हैं वो दोस्तों हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको और भी बात बता दें कि यश में आपको और कौन सी गलती नहीं करना है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले तीन दिनों के अंदर
अब जब भी कोई नए चीज़ों की ओर जाते हैं, नए कार्यों की शुरुआत करते हैं, अपने जीवनकाल में कोई नई योजनाएं बनाते हैं, चाहे दोस्तों खुशखबरी का कोई प्लान कर रहे हैं, कहीं पर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे कार्यों की सूचना आप किसी भी करीबी किसी भी अपने व्यक्ति को मत दीजिएगा। दोस्तों यही सब बातें आप शिविर के जीवनकाल में लापरवाही रखने के कारण दोस्तों आप शिविर के जीवनकाल में कई सारे दोस्तों विघ्न बाधाएँ आ रही हैं। और दोस्तों आपके जीवनकाल में पिछले समय ऐसी भी घटनाएं हुई है कि आपका कई सारा ऐसा कार्य हुआ है जो दोस्तों आप सोच रहे थे कि यह कार्य अब हमारा आज कल परसों या फिर 10 दिन के अंदर ही संपन्न होने वाले हैं। बहुत ही आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही लगन के साथ कार्य कर रहे हैं। दोस्तों फिर आप उन सभी बातों को किसी के साथ साझा करते हैं जिनकी वजह से आपका काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है, शुरू होने से पहले ही बाधाएं उनमें उत्पन्न होना शुरू हो जाता है और दोस्तों अंत में आप उनमें असफलताओं को ही प्राप्त करते हैं। दोस्तों अब आपको यह गलती भूल कर भी नहीं करना है। जी दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 3 दिनों के अंदर और एक दो बड़ी और गंभीर गलती ना करें। जैसे कि दोस्तों आप सभी की राशि के जो जातक होते हैं, स्वभाव से बहुत ही सहनशील के साथ ही दोस्तों सरल स्वभाव के होते हैं, नम्र दिल के भी होते हैं। दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति आपके ऊपर कोई भी चीज़ों का मांग करता है या फिर मदद मांगने की कोशिश करता है, तो दोस्तों आप इतने अच्छे इतने स्वाभाविक इंसान होते हैं कि दोस्तों आप उनको मुंह पर ना नहीं कह पाते हैं। जी दोस्तों, भले आप मन में सोच लेते हैं कि हम उन्हें ना कह देंगे, लेकिन दोस्तों जब वह व्यक्ति सामने आकर आपके आगे हाथ फैलाता है, आपसे कुछ मांगता है, तो दोस्तों आप ना नहीं कहते हैं, सीधा दोस्तों आप उनकी मदद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये प्रवृत्ति आपके लिए जितना ही अच्छी है उतना दोस्तों आपके लिए बुरा भी है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही है कि लोगों को दान करना, लोगों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि लोगों की मदद करो ये अच्छी बात है, लेकिन खुद को तकलीफ देकर किसी को मदद करना ये गलत बात है। जी दोस्तों, जब तक आप खुद को ही संभाल कर नहीं रखेंगे तो दोस्तों आप दूसरों को कैसे मदद कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना है, तभी दोस्तों किसी की मदद करना है। और दोस्तों साथ ही साथ आपको व्यक्ति की भी पहचान करना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों अगले 3 दिनों के अंदर जो भी शत्रु आपके ऊपर हावी होने वाले हैं, दोस्तों उन सभी का पहचान आपको करना ही होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति आपके करीबी के हैं वो दोस्तों यश में आपके ऊपर घात करने वाले हैं। जो व्यक्ति आपके अपने ही व्यक्ति है, जो आपके आगे मीठे मीठे बोली बोलते हैं और दोस्तों आपके पीठ पीछे बहुत सारे षड्यंत्र रचने के कार्य करते हैं, और दोस्तों इसने आपके ऊपर पिछले समय में भी बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिनकी वजह से आप परेशान भी हुए हैं, जिनकी वजह से आप मुसीबत में भी गए हैं। लेकिन दोस्तों अब आपके जीवनकाल में ग्रहों की दिशा, ग्रहों की चाल पलट चुकी है। अब दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में ईश्वर का आशीर्वाद पड़ चुका है, जिनके कारण दोस्तों अब आप संभल कर ही कदम उठाएं तो दोस्तों आपके लिए बेहतर होगा, ताकि आने वाले समय में, आने वाले जीवनकाल में आपको कोई भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। जी हाँ दोस्तों, इसलिए यश में आप अपने शत्रु को पहचान करें और दोस्तों उनसे दूरी बनाकर रखें। दोस्तों उनसे आपको वार्तालाप, बातचीत कुछ भी नहीं करना है, उनसे रिश्ता आपको बिल्कुल भी तोड़ देना है। साथ ही साथ दोस्तों आप इन सभी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में जो खुशखबरी यश में भगवान भोलेनाथ देने वाले हैं, गुरु शुक्र शनि की जो प्रभावशाली स्थिति बनने वाली है, इनमें जो भी आपको लाभ के मौके मिलने वाले हैं दोस्तों वे सभी आपके जीवनकाल में रह ही जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। दोस्तों आगे हम आपको बताते हैं कि अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवनकाल में कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, उसके उपरांत दोस्तों आपको बताएंगे कि शत्रु से बचने के लिए और यश में माता रानी की आशीर्वाद पाने के लिए, भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद पाने के लिए आपको कौन से उपायों को करना बेहतर होगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 3 दिनों के अंदर जो ग्रहों की स्थिति है बहुत ही प्रभावशील है, आपके लिए सहयोगात्मक यश में ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। यश में ग्रह आपके फुल सपोर्ट में रहने वाले हैं, साथ ही साथ दोस्तों भाग्य और किस्मत का भी आपको पूरा पूरा साथ मिलने वाले हैं। दोस्तों अगले 3 दिनों में आप सभी का भाग्य चमक जाएगा, यानी कि दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में जो ग्रहों की स्थिति बनी है, इनसे लाभ के मौके के साथ साथ कुछ ऐसे आप पद को प्राप्त करेंगे जिनसे दोस्तों समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ने वाले हैं। दोस्तों घर का माहौल काफ़ी हद तक सुधर जाएगा, जो भी छोटी छोटी मोटी दिक्कतें आप सभी के जीवनकाल में चल रही थी, चाहे दोस्तों वह दिक्कतें पेशों की लेकर हो, चाहे दोस्तों वह दिक्कतें आपकी आर्थिक समस्याओं से जुड़ी छोटी मोटी बातों को लेकर हो, दोस्तों वे सारे
यशमी खत्म होने वाली है और भगवान भोलेनाथ के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर प्रसन्न होने वाली है। धनश्री मालामाल आप शिवी का परिवार बनने वाले हैं। परंतु दोस्तों यशमी आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है कि दोस्तों जब भी आप अपने जीवनकाल में कोई धन को अर्जित करते हैं, कहीं से धन की लाभ करते हैं, तो दोस्तों उस धन का थोड़ा सा आप टुकड़ा गरीबों में दान कीजिएगा। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ दोस्तों आने वाले 3 दिनों के अंदर आपको कौन सी गलती भूलकर भी नहीं करनी है कि दोस्तों आने वाले 3 दिनों के अंदर धन की देवी माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न है, भोलेनाथ प्रसन्न है। तो दोस्तों घर में आपको शांति का माहौल बनाकर रखना है, घर में कभी भी हो हल्ला नहीं करना है। साथ ही साथ दोस्तों अगले 3 दिनों के अंदर आप शिव के जीवनकाल में आप धनश्री मालामाल होने के साथ साथ आपके जो भी करियर संबंधी जो भी क्षेत्र हैं दोस्तों उनमें आपकी तरक्की यशमी देखने लायक होगी। यशमी आपका रुका हुआ कार्य बनने वाले हैं। दोस्तों जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे यशमी उनका सफर खत्म हो सकता है और आपको मनचाही नौकरी मिल सकती है, बशर्ते यशमी आपको चालाकी लोगों से बचना होगा, चतुर लोगों से बचना होगा जो कि दोस्तों मुंह पर अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे छुरे भोंकने का कार्य करते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों से आपको बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आपको अपने जीवनकाल में बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अगर आप कोई नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि कोई व्यक्ति आपके पीछा तो नहीं कर रहा है, या फिर दोस्तों कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है तो जो आपकी आपके कार्यों पर नज़र रख रहा है, आप क्या कार्य कर रहे हैं उन सभी की जानकारी ले रहा है। दोस्तों इन सभी बातों का आपको अपने जीवनकाल में ध्यान रखना ही होगा कि दोस्तों शत्रु जो होता है दोस्तों वह आपको जड़ से लेकर ऊपर तक देखता है और दोस्तों वह आपकी सारी जानकारियों को लेकर ही आपको तबाह करता है। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि अगले 3 दिनों के अंदर प्रेम संबंध के लिए समय बहुत ही अच्छा है। प्रेम संबंध में जो भी नोकझोंक है, जो भी समस्याएँ हैं, जो भी अड़चने आई थी आपके प्रेम संबंध में, दोस्तों वे इसमें दूर होने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपके प्रेम संबंध में भी, घर के माहौल में भी शत्रु हावी हो सकता है। दोस्तों शत्रु आपको हमेशा अपने परिवार के साथ लड़ाना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो आपके बीवी के साथ आपको लड़ा दे, आपके बच्चों के साथ आपको लड़ा दे, आपके खिलाफ उन सभी को भड़का सकता है, आपके परिवार के खिलाफ आपको भड़का सकता है। दोस्तों ऐसे ही षड्यंत्र आपके शत्रु रचते हैं ताकि आप घर में ही लड़ मर कर दोस्तों कट जाएं और वे अपने जो उनका षड्यंत्र है उनमें कामयाब हो जाएं। तो दोस्तों यश में आपको यह गलती नहीं करना है, अपने परिवार वालों के साथ सही ढंग से रहना है। दोस्तों छोटी मोटी जो भी बात होती है दोस्तों उन पर आपको जोर से नहीं बोलने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी समस्याओं का हल बैठ कर कीजिएगा। दोस्तों यश में ग्रहों की स्थिति प्रबल है तो दोस्तों यश में आपको लाभ लेने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों आप शिव के जीवनकाल में पिछले कई समय से समस्याएं चल रही है। दोस्तों आपने वो दिन भी देखा है जब आपने जो भी पेशे कमाए हैं उनमें से एक भी पेशा आपके पास नहीं बचा है। दोस्तों पेशा कमाते हैं लेकिन पेशा आपके पास नहीं रुकता है, दोस्तों वह पेशा इधर से उधर चला ही जाता है। दोस्तों ऐसी परिस्थिति का आपने सामना किया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम आप सभी को बता दें कि आपने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं। आपने जो दोस्तों जो भी अच्छे कर्म किए हैं उन्हीं का यशमी बदौलत है कि यशमी ईश्वर का आशीर्वाद और ग्रहों की प्रबल स्थिति आप शिव की राशि में बना है। दोस्तों यशमी गुरु शुक्र और शनि की जो स्थिति है बहुत ही प्रभावशील है, क्योंकि दोस्तों आपकी राशि यशमी कर्म प्रधान राशि है। दोस्तों यशमी आप शिव के जीवनकाल में एक खुशखबरी आपको मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप शिव को बता दें कि दोस्तों यशमी आप शिव के जीवनकाल में आपको कोई फ़ोन कॉल से ऐसी सूचना मिल सकती है जिनसे दोस्तों आप शिव का जीवन बदल जाए, या फिर दोस्तों कोई नए कार्य की आप तलाश कर रहे थे जो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था, जो कि दोस्तों बहुत ही लग्जरी कार्य था जिनके लिए आप दोस्तों मेहनत कर रहे थे। दोस्तों आपको वो फ़ोन कॉल से वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप उस महंगे चीज़ को खरीद सकते हैं। दोस्तों नए मकान, नए वाहन खरीदने का यश में आप सभी को सौभाग्य प्राप्त होगा। यश में आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, कहीं पर घूमने का भी ट्रिप यश में आप सभी का बन सकता है। मन आपका यश में बदलेगा और जीवनकाल में दोस्तों आप धार्मिक कार्यस्थलों पर भी जाएंगे। दोस्तों ईश्वर का दर्शन करना आपके लिए यश में बहुत ही भाग्यशाली होगा और आप जिस भी कार्य के लिए घर से बाहर जाएंगे दोस्तों वह कार्य आप शिवी का सफल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हम आप शिवी को बता दें कि जब भी आप घर से बाहर जाएं तो दोस्तों अपने पर्स में दोस्तों अरवा चावल जरूरी रखिएगा। जी दोस्तों,
दोस्तों अगर आप अरवा चावल अपने जेब में रखते हैं तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि धन की देवी माता लक्ष्मी आप सभी के साथ है और धन से जुड़ी सभी समस्याएं आप सभी के जन्मकाल में आपके साथ कभी भी घर वापस नहीं आएंगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप अपने जन्मकाल में ये चावल को ज़रूरी लेके जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जब भी आप घर से बाहर जाएँ तो दोस्तों अपने इष्ट देवता को प्रणाम करके जाएँ, उन्हें कह के जाएँ कि दोस्तों हम यहाँ पर जा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, आप उन्हें कह के जाइएगा, उन्हें आमंत्रण दे के जाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगले 3 दिनों के अंदर घरों की जो स्थिति प्रबल है, इसमें भाग्य का पूरा पूरा आप सभी को साथ मिलने वाले हैं। सिर्फ थोड़ा सा शत्रु आपको परेशान कर सकता है दोस्तों, उनसे बचने के लिए हम आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यशमी माता लक्ष्मी आपके जुनकाल में हैं, भगवान भोलेनाथ आप सभी के जुनकाल में हैं और कर्म के दाता भगवान शनिदेव आप सभी के ही पक्ष में हैं। कि दोस्तों यशमी गुरु शुक्र और शनि की जो स्थिति प्रबल है उनमें से कर्मफलदाता भगवान शनिदेव का ग्रह शनि है, तो दोस्तों शनि आपके साथ है, तो दोस्तों समझ लीजिए भगवान शनिदेव का कृपा आप सभी के जीवन काल में है। तो दोस्तों यशमी आपको कर्म से जुड़ी अच्छे कर्म करना है, जो भी कर्म से जुड़ी बातें हैं दोस्तों उन पर ध्यान देना है। जी दोस्तों यशमी आपको कौन से उपाय करना चाहिए? दोस्तों यशमी अपने जुनकाल में आप हमेशा जो भी कार्य करते हैं दोस्तों आप वो कार्य एक नंबर का होना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आप नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं या फिर दोस्तों जो भी कार्य कर रहे हैं दोस्तों, कभी भी दो नंबर वाला धंधे को आप मत अपनाइएगा, इसी दोस्तों आप सभी का कर्म खराब होगा और कभी भी आपकी राशि में शनि खुश नहीं होंगे। और दोस्तों शनि अगर आपके ऊपर प्रसन्न नहीं है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आप सभी के जुनकाल में संकट आने वाले हैं, और शनि अगर आपके जुनकाल में खराब हो जाएंगे तो दोस्तों आपको आर्थिक समस्या ही नहीं बल्कि दोस्तों रोग विघ्न बहुत सारे ऐसी संकट आप सभी के जुनकाल में आ जाएंगे। तो दोस्तों अब आपको अपने जुनकाल में बस इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों यश में आपको कौन से उपाय करना चाहिए? जी दोस्तों आप सभी को बता दें कि धन की देवी माता लक्ष्मी आप सभी के ऊपर प्रसन्न है, तो दोस्तों यश में आपको अपने जुनकाल में शत्रु से बचने के लिए और माता लक्ष्मी का वास अपने घर में करने के लिए कौन से उपायों को करना चाहिए? दोस्तों घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल और सिंदूर को मिश्रित करके दोस्तों टीका लगाने से कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। जी हाँ दोस्तों, कि दोस्तों शत्रु प्रबल है तो आपको ये चीज़ ज़रूरी वो कर सकता है। दोस्तों अगर आप ये चीज़ करेंगे तो दोस्तों आपके घर में वास्तु दोष भी समाप्त हो जाएगा और माता लक्ष्मी का भी वास आप सभी के घर में रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों शनिदेव की जो भी नज़र दृष्टि आपके जीवन काल में खराब है दोस्तों वो भी अच्छे हो जाएंगे और शनिदेव आपकी रक्षा करेंगे। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। दोस्तों जो भी इंसान अपने जुनकाल में ये उपाय को कर लेता है दोस्तों उनके जुनकाल में कभी भी धन सुख संपदा की कमी नहीं होती है। साथ ही साथ हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आप सभी के जुनकाल में करोड़पति नाम का योग भी बनेगा। जी दोस्तों, यानी कि आने वाले 2 दिनों के अंदर जो भी जातक अपने जुनकाल में इस उपाय को करेगा तो दोस्तों उनके जुनकाल में वह करोड़पति जरूर ही बनेगा, धनवान अवश्य बनेगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, दोस्तों आपकी दोनों हथेली में भागी रेखा मणिबंध यानी कि दोस्तों कलाई से लेकर शनि पर्वत तक पहुंच रही है, तो दोस्तों आप गजलक्ष्मी योग लेकर आए हैं। जी दोस्तों, समुद्र शास्त्र के अनुसार ऐसे व्यक्ति साधारण परिवार में जन्म लेकर बड़े धनवान और दोस्तों प्रसिद्धि मिलती है, तो दोस्तों ऋषि में आपको कौन से उपाय करना चाहिए? बस दोस्तों अपने जुनकाल में आपको जब भी आप रविवार के दिन उठते हैं तो दोस्तों सूर्यदेव को जरूरी सबसे पहले जल अर्पित कीजिएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो दोस्तों वो जल आपके पैर पर नहीं आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस बात का बस आप ध्यान रखिएगा। चाहे दोस्तों आप किसी पत्थर पर चढ़कर जल को अर्पित कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप अपने पैरों के नीचे एक गमले रखकर जल को अर्पित कर सकते हैं। इसी दोस्तों शनि के जो भी उसका पिताजी हैं सूर्य हैं दोस्तों वे प्रसन्न हुए तो दोस्तों आप शिव के जुनकाल में शनि दोस्तों से मुक्ति मिलेगी ही। साथ ही साथ दोस्तों आप शिव के जुनकाल में जो भी धन के रास्ते हैं वे सभी खोलेंगे और दोस्तों आप शिव की राशि वे जितने भी जातक हैं वे दोस्तों धन से हमेशा परिपूर्ण रहने वाली राशि है। लेकिन दोस्तों आपकी राशि में शत्रु आपको हमेशा परेशान करना चाहता है, तो दोस्तों आपको इन उपायों को करना है। इससे दोस्तों आप शिव के जुनकाल में भाग्योदय होना निश्चित है। दोस्तों बहुत ही जल्दी आप सभी का भाग्योदय हो जाएगा।
बस दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि रोज़ सुबह उठकर आपको अगले दो दिनों में, दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगले तीन दिनों के अंदर आपको रोज़ सुबह उठकर जब भी आप सोकर उठते हैं तो सबसे पहले ध्यान आप भगवान की करें। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद मात्र तीन शब्दों को बोलने से आपके तीन ग्रह अच्छे हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अपने पिता का नाम चार बार बोलिए, अपनी माता का नाम तीन बार बोलिए और अपने गुरु का नाम तीन बार बोलिए। इससे दोस्तों सूर्य, चंद्र और गुरु, ये तीनों ग्रह शुभ फल देना शुरू कर देगा। तो दोस्तों अगले तीन दिनों में आप इस बात का ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगले तीन दिनों के अंदर आपको कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है। दोस्तों हिंदू धर्म में तीन चीज़ों का एक साथ होना अशुभ माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार थाली में एक साथ तीन रोटियाँ नहीं परोसनी चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार जब हम अपने किसी को दोस्तों पूर्वज के लिए थाली में रोटी डालते हैं तो उनमें तीन रोटियां रखी जाती हैं, इसलिए तीन रोटियां थाली में नहीं रखी जानी चाहिए। दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर हम इसे देखें तो दो रोटियां और थोड़े से चावल किसी भी स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति के लिए पर्याप्त आहार हैं। और दोस्तों इससे आप शिव के जुनकाल में धन की देवी प्रसन्न होती है और आपके जो भी पितृगुरु हैं पितृदोष आप शिव के समाप्त हो जाएंगे और दोस्तों पितरों का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। दोस्तों यश में आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगले तीन दिनों के अंदर जावित्री, गायत्री और केसर लाकर उसे कूटकर मिला लें। इसके बाद उसमें उचित मात्रा में गूगल मिला लें। अब दोस्तों इस मिश्रण का धूप प्रतिदिन शाम को दें। ऐसे 21 दिन तक आपको अगले तीन दिनों के अंदर से ही शुरू कर देनी है और अगले 21 दिनों तक करनी है। दोस्तों इससे आप सुबह के जुनकाल में जो भी किसी ने काले टोटके किए हैं, जादू टोने किए हैं या फिर आपके जीवन काल में नकारात्मक शक्तियां छोड़ दिए हैं, दोस्तों उन सभी को आप सुबह को मुक्ति मिल जाएगा और दोस्तों जीवन काल आप सुबह के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप सुबह को बता दें कि अगले तीन दिनों के अंदर माता लक्ष्मी आप सुबह के जुनकाल में आ रही है। तो दोस्तों इसी में आपको कौन से संकेत मिलने वाले हैं, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों अगर आपके छत पर, अगर आपके आंगन पर कबूतर ने अपने पंख को छोड़ दिए हैं, जी दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि दोस्तों आप सभी के जुनकाल में माता लक्ष्मी का वास होने वाला है या फिर माता लक्ष्मी आप सभी के घर आने वाले हैं। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि दोस्तों ये ध्यान रखना जीवनकाल में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों यही सब गलती करते हैं जिनके कारण माता लक्ष्मी रुष हो जाती है, आपके घर आती है, लेकिन दोस्तों आप ध्यान नहीं रखते हैं, इन्हीं के कारण दोस्तों माता लक्ष्मी रुष हो जाती है। तो दोस्तों इस बातों का ध्यान आपको रखना ही बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, शादीशाह दोस्तों अगले तीन दिनों के अंदर आप सभी को अपने जुनकाल में कौन सी बातों का ध्यान रखना है कि दोस्तों किसी भी असहाय व्यक्ति की मदद करना है और दोस्तों अपने घर के छत पर आपको पक्षियों के लिए भोजन का व्यवस्था करना है, पानी का व्यवस्था करना है। दोस्तों इसे आपके कर्मों के दाता भगवान शिंदे भी प्रसन्न होंगे और धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो दोस्तों जीवन काल में आपको हर एक दिन शुभ लाभ अवसर मिलते जाएंगे और दोस्तों अगले तीन दिनों के अंदर जो ग्रहों की प्रबल स्थिति बनी है उनमें जो जो लाभ के मौके मिले हैं दोस्तों वो आपको मिलकर ही रहेगा। इसलिए दोस्तों जो हम आज के वीडियो में आप सभी को बताए हैं दोस्तों उन बातों का ध्यान रखना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।